देखिए, जो जो समझावे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड इन इंग्लिश ग्रामर ऑल द इंग्लिश वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट पार्ट्स। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें 8 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस, उनके स्थान के आधार पर और फंक्शन कार्य के आधार पर बांटा गया इन सेंटेंस। एंड दिस डिवीजन ऑफ वर्ड इज नोन एज काइंड ऑफ वर्ड। और वर्ड का जो ये भाग करना है इसी को काइंड ऑफ वर्ड कहा जाता है, यानी वर्ड का प्रकार ये एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। आप लोग को लिखना है तो हिंदी में भी लिख दिए हैं, अगर कभी भूल जाए तो देख के याद आ जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में सभी शब्दों को उनके कार्य के एवं स्थान के आधार पर वाक्यों में उन्हें 8 विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिन्हें काइंड ऑफ वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। व्हाट इज नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग या इवेंट, एक्शन, स्टेट एंड क्वालिटी इटीसी इज नोन एज ए नाउन। और द नेमिंग वर्ड, बोले थे कि जितना भी नाम वाला वर्ड है उसे नाउन कहा जाता है। और द नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह, घटना, कार्य, अवस्था या गुण आदि के नाम को नाउन कहा जाता है, या नाम को ही नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, इनिमी, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, पब्लिक, फादर, सन, डॉक्टर, स्टूडेंट, क्लर्क, राजा, रानी, सोनी, मोनी, पटना, जगह का नाम कटिहार, बिहार, इंडिया, जितना भी जगह का नाम है, न्यू मार्केट, रूम, बुक, पेन, वर्ल्ड, दुनिया, विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, वर्ल्ड, एनिमल, बर्ड, काव, कैमल, हैन, डक, एटीसी। अब यहाँ देखिए वो सेंटेंस से कैसे चुनना पड़ता है। राहुल इज ए बॉय, राहुल एक लड़का है, यहाँ राहुल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और बॉय एक नाउन हो जाएगा। पटना इज ए सिटी, यहाँ पटना और सिटी नाउन हो जाएगा। बिहार इज ए स्टेट, यहाँ बिहार और स्टेट हो जाएगा नाउन। इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया और कंट्री हो जाएगा नाउन। राहुल गोज टू स्कूल, राहुल और स्कूल हो जाएगा नाउन। जगह का नाम है स्कूल, राहुल लड़का का नाम है। सोनी इज ए टीचर, सोनी लड़की का नाम है, टीचर, ठीक है, टीचर है, वो भी एक नाम है, हो जाएगा नाउन। कटिहार इज ए टाउन, कटिहार एक जगह का नाम है, टाउन, शहर, ये भी एक नाम है, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है, वह शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दे, वी, आई, मी, यू, दिस, डैट, दिस, दोज, सम, ऑल, नन, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, व्हाट, हु, विच, हुम, इटीसी। राम इज गोइंग, देखिए राम इज गोइंग के बदले, यहाँ राम के बदले ही का प्रयोग है, ही इज गोइंग, तो ये हो जाएगा सर्वनाम यानी प्रोनाउन। यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं, ही इज ए टीचर, यहाँ ही क्या हो जाएगा प्रोनाउन। यू आर ए टीचर, यहाँ यू हो जाएगा प्रोनाउन। सी हेल्प्स मी, सी हेल्प्स मी, सी एड्स मी, सी हो जाएगा प्रोनाउन और मी हो जाएगा प्रोनाउन। यू हेल्प मी, यू और मी हो जाएगा प्रोनाउन। दिस, दे चीट मी, दे और मी हो जाएगा प्रोनाउन। ऑल आर मैड, ऑल हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। ही लव्स समबडी, ही हो जाएगा प्रोनाउन, समबडी हो जाएगा प्रोनाउन। नो बडी लव्स मी, नो बडी हो जाएगा प्रोनाउन, यू हो जाएगा प्रोनाउन। हु आर यू, यहाँ हु और यू हो जाएगा। व्हाट इज योर नेम, यहाँ योर और व्हाट हो जाएगा। व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब अबाउट ए नाउन और ए प्रनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रनाउन के विशेषता को बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रनाउन, वह शब्द जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव प्रायः किसी नाउन या प्रनाउन का रंग, रूप, आकार कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह कैसा है, काला है, गोरा है, रूप में लंबा है, गोरा है, कैसा है, आकार लंबा है, चौड़ा है, प्रकार, संख्या कितनी है, अब जैसे चार पेन है, चार आम, चार गुठलियाँ, संख्या, प्रकार, संख्या,
गुण एवं दोष आदि को बताता है। गुड बैड ओल्ड न्यू वीक स्ट्रांग वन टू थ्री डॉट 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 ये अनंत तक चले जाएगा। रेड ब्लैक ब्लू वाइट हॉट कोल्ड सॉफ्ट लेजी हैप्पी सैड रिच पुअर ब्यूटीफुल टॉल्ड स्मेल बिग लार्ज अट्रैक्टिव स्वीट सावर ब्लाइंड डर्टी डस्टी। चूज कैसे करते हैं? सी इज पुअर, यहाँ पुअर हो जाएगा एडजेक्टिव। आई एम हैप्पी, हैप्पी हो जाएगा एडजेक्टिव। यू आर पुलिस, यहाँ पुलिस हो जाएगा एडजेक्टिव। यू आर सैड, सैड। टी इज हॉट, हॉट हो जाएगा एडजेक्टिव। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। सी इज वेरी फेमस टीचर, वेरी फेमस हो जाएगा एडजेक्टिव। व्हाट इज एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन टू डू एनी थिंग्स और टू बी एनी थिंग्स नोन एज ए वर्ब, किसी काम के करने या होने को वर्ब कहा जाता है। गो कम रीड राइट स्पीक इट इसी। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब, ये चीज़ वर्ब का चैप्टर आता है, ये चीज़ आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है। ही लव्स मी, लव्स हो जाएगा यहाँ पे वर्ब, पुअर नहीं होगा। सी इज पुअर, इज यहाँ, इज एक भी एक वर्ब है, एग्जाम्पल में दिया है, देखिए इज एम आर वी वेयर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब में दिया है एग्जाम्पल, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, उतारना उतार लीजिएगा, इसको समझाएंगे अलग चैप्टर में। वी आर टीचिंग इंग्लिश, आर टीचिंग, आर और टीचिंग हो जाएगा यहाँ पे वर्ब। यू इंसल्ट मी, इंसल्ट हो जाएगा। कम्स कम हो जाएगा। आई कैन हेल्प यू, हेल्प यू, हेल्प कैन। और यू सिंग ए सॉन्ग, सिंग हो जाएगा। वाट इज एडवर्ब, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब यानी खुद का भी की विशेषता को बताता है। एडवर्ब प्राय यह बताता है कि काम कैसे और क्यों होता है तथा कितनी बार होता है। धोखा दिया, देखिए एग्जाम्पल दिया, यू एलवेज चीट में एग्जाम्पल आपको समझाया था। यहाँ क्या हो रहा है, बता रहा है कि धोखा दिया तो कितनी बार दिया, एलवेज यानी हमेशा दिया। बोल रहा है कैसे, वहाँ फास्ट का एग्जाम्पल दिए थे कि रन वेरी फास्ट, तो वहाँ दौड़ तो रहा है लेकिन फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है तो फास्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है इसका मतलब कैसे समझिए एक एग्जाम्पल से। कैसे कैसे होता है इसका एग्जाम्पल, कि आई बीट हिम हार्डली, आई बीट हिम हार्डली, उसे मारना है लेकिन हार्डली यानी जोर से, ठीक है, जोर से मारना है, तो एडवर्ब हो जाएगा। कैसे और क्यों और कितनी बार होता है, समझ गए ये एग्जाम्पल। यू एलवेज चीट में एलवेज हो जाएगा यहाँ पे। सी नेवर हेल्प्स में, सी हेल्प्स में रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन नेवर जो है यहाँ पे है तो वो एडवर्ब है, नेवर कभी नहीं। सी इज नॉट सैड, वह उदास नहीं है, वह उदास है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लग गया, ये नोट भी हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। तो वी आर गोइंग देयर, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, देयर, देयर हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब। सी हैज नॉट कम येट, सी हैज नॉट कम येट, नॉट और नॉट हो जाएगा एडवर्ब। प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है, वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है। वह शब्द जो नाउन या प्रनाउन के पहले लग के, नाउन होना चाहिए या प्रनाउन होना चाहिए, उसके पहले लगता है और पहले लगकर उसका संबंध वाक्य के, उसका संबंध किसका, नाउन या प्रनाउन जिसके पहले वो लगा है उसका संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है, वाक्य का जो शब्द है दूसरा उससे जुड़ता है। देखिए कैसे, स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, यही दिए थे एग्जाम्पल। स्कूल ये क्या है, एक नाउन है, नाउन के पहले लगा और ये जो है उसका संबंध, यहाँ है ना, उसका संबंध, नाउन का संबंध जो है दूसरे शब्दों से जोड़ता है, वाक्य के, वाक्य है ये, वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है, जोड़ दिया।
तो यही जो जोड़ता है, जोड़ने का काम कौन किया? टू, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, जो जोड़ने का काम करता है वो हो जाएगा प्रीपोजिशन। ही इज कमिंग बाय कार, ही इज कमिंग बाय कार, कार क्या नाउन, इसको दूसरे सेंटेंस के शब्दों के साथ जोड़ने का काम किया बाय, तो बाय हो जाएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं प्रीपोजिशन। सी विल कैम ऑन मंडे, ऑन हो जाएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन। सी विल कम एट नाइट, एट हो जाएगा प्रीपोजिशन। ही कम्स हेयर आफ्टर 9 PM, आफ्टर हो जाएगा प्रीपोजिशन। ही वाज इन द रूम, इन हो जाएगा प्रीपोजिशन। द हो जाएगा, द भी होगा प्रीपोजिशन। इन द रूम, ही वाज इन द रूम, द नहीं होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। इन द रूम, सी वाज, वह था इन द रूम, कहाँ था? इन द रूम। इन और द दोनों हो जाएगा, ठीक है, इन द रूम, ठीक है। वाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, ये भी उदाहरण दिए थे। वाट इज द डिफरेंस, क्या अलग है यू एंड मी? यहाँ देखिए एंड इसीलिए नहीं होगा बताए थे हम, क्योंकि ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद एंड है, भले यहाँ पहले है, मी भी प्रोनाउन है इसके पहले है, लेकिन यहाँ तो बाद में है ना, ठीक है, इसीलिए बिटवीन हो जाएगा। बिटवीन देखिए इससे पहले है, किससे? ये प्रोनाउन है ना यू, इससे पहले है, तो बिटवीन हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन। कंजक्शन, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ता है, डू और डाई, ठीक है। आई रीड बट यू डोंट, मैं पढ़ता हूँ बट आप नहीं, लेकिन आप नहीं, दो सेंटेंस अलग, मैं पढ़ता हूँ आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ा कौन? बट, ठीक है। तो ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेज, फ्रेज मतलब होता है मुहावरे, क्लाउजेज और सेंटेंस टुगेदर, वह शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों, मुहावरों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, उसे सब, वैसे शब्द कंजक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, एंड, बट, और, इफ, देन, थ्रो, अल थ्रो, सो, देयर फॉर, इलीज, अदरवाइज, बिकाउज, डैट, विच, टू, हुम, इटीसी, सब समझ गए। ही इज ए टीचर एंड डॉक्टर, एंड जोड़ा दूसरे शब्द, दो शब्द यहाँ जुड़ रहा है, टीचर एंड डॉक्टर, ठीक है, दो शब्द जुड़ गया। अब थ्रो, सी इज ब्लैक, सी इज ब्यूटीफुल, वह काली है और सुंदर है, ठीक है, ये जोड़ा कौन? थ्रो, थ्रो जो है जोड़ा ये दोनों सेंटेंस को, वह काली है, वह ब्यूटीफुल है, ठीक है, दोनों सेंटेंस अलग, लेकिन यहाँ थ्रो लगा, तो ये जोड़ने का काम क्या है दोनों सेंटेंस को, ठीक है। सी इज ब्लैक, वह काली है, पर थ्रो, वह सुंदर है, ठीक है। दिस इज द बॉय हु हेल्प्स मी, यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की, हु हेल्प्स मी, हेल्प्स मी यानी मेरी मदद की, और दिस इज ए बॉय, वह यही, यह एक लड़का है, ठीक है, यही एक लड़का, यह एक लड़का, ठीक है, हु हेल्प्स मी, तो हु हो जाएगा यहाँ पे कंजक्शन। ही वॉज सच ए बॉय हु नेवर हेल्प्स मी, यह सच में वही लड़का था, वह जो मेरी कभी, वह जो कभी मदद नहीं करता है मेरी, तो हु हो जाएगा यहाँ पे भी कंजक्शन। लास्ट है आप लोगों का इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस डीप फीलिंग्स, गहरी भावना को दर्शाता है, ठीक है, और इमोशंस, इमोशन जैसा भी, उनसे वाह, हुरे, व्हाट, क्या, इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, खुशी जब होता है ज़्यादा, क्या होता है, हुरे, डीप फीलिंग्स, खुशी हुआ, सोरो, पेन, दर्द होता है, ओ, ठीक है, सरप्राइज, खुशी वाला चीज़ है, हुर्रे, सरप्राइज, जब कोई बोले तुमको सरप्राइज है कुछ, हुर्रे, सरप्राइज है, ठीक है, और हार्टेड ईटीसी, वह भावना जो गहरी भावनाओं को जैसे खुशी, गम, नफरत, प्यार, दर्द आदि को व्यक्त करता है, उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल, हु, ओह, अल्लाह, हुर्रे, वाह, व्हाट, क्या, ईटीसी। फाइंड आउट इंटरजेक्शन, हुर्रे, वी वॉन द मैच, हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, हुर्रे, हम लोग मैच यानी मैच जो था वो जीत गए। वाह, सी हैज कम, वाह, वह आ गई। अल्लाह, आई एम
रुइंड, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह हो जाएगा, इंटरजेक्शन समझ में आ गया सभी को।